और इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10 मार्क्स का आता है पेपर में और बहुत ही इजी टॉपिक उनके लिए जिनको आता है और टफेस्ट टॉपिक उनके लिए जो ये नहीं करते, जिनको लगता है अरे ये मुश्किल हमसे नहीं होगा, उनके लिए ये टफेस्ट टॉपिक है। और जबकि कहने को ना सबसे इजी टॉपिक है ये, 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं एक टॉपिक के लिए। चले, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? बच्चे कभी ऑफिस की मीटिंग देखी है या कभी पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाया, एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे? तो देखो, जब हम सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं तो सर्कल होता है टेबल और सारे जो है आसपास बैठे होते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी उसकी, तो भाई आपको ये सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं लग रहा? पर्सन बैठे हैं और सर्कल में बैठे हैं, समझ आया सर्कुलर अरेंजमेंट? तो मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो होंगे वो सर्कल में बैठ के सॉल्व होंगे। आगे देखिए, अब ये कौन सा दिख रहा है फिगर? फिगर कौन सी दिख रही है आपको? एक स्क्वायर फिगर दिख रही है, स्क्वायर फिगर दिख रही है। तो बच्चे पेपर में क्वेश्चन समटाइम्स स्क्वायर अरेंजमेंट के भी आते हैं, जिसको आप सर्कुलर अरेंजमेंट भी कहते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर आपके पास क्वेश्चन स्क्वायर के भी आ जाते हैं और रेक्टेंगल के भी आ जाते हैं और ट्रायंगल के भी आ जाते हैं। ये एग्जामिनर की मर्जी है वो आपको क्या देगा, लेकिन अगर पेपर नॉर्मल लेवल का बनेगा तो वो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट ही देगा, लेकिन अगर पेपर का लेवल हुआ हाई तो वो आपको जो मर्जी अरेंजमेंट दे सकता है, लेकिन मेथड जो होगा ना वो सबके लिए सेम रहेगा। तो हम एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप का कर लेंगे कि पेपर चाहे जैसा मर्जी बने, हमें तो सीट चाहिए, मीन्स चाहिए, ठीक है? चले, अब ये देखो, ये 3 छोटे छोटे बेचारे बच्चे खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं? एक के पीछे एक लाइन बना के खड़े हैं। स्कूल में याद है जब छोटे छोटे बेबीज होते थे, ऐसे लाइन पकड़ पकड़ के खड़े होते थे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, याद है सभी को? तो उसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। आज भी आप स्कूल में खड़े होते हो प्रेयर के लिए तो एक के पीछे एक खड़े होते हो ना, तो वो होती है हमारी लीनियर अरेंजमेंट। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब पेपर में क्वेश्चन या तो आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर या लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर, वो उसकी मर्जी होती है, वो जो मर्जी दे, सर्कुलर दे या लीनियर दे, ठीक है? अब ये देखो, हम बैठे हुए हैं टेबल्स पे, ये लीनियर अरेंजमेंट दिख रही है, तो ऐसी होती है एक लीनियर अरेंजमेंट। सभी को समझ आ गया अब अरेंजमेंट्स कैसी होती हैं, पेपर में अरेंजमेंट्स कौन कौन से टाइप के आ सकते हैं, ये चीज सभी को समझ आ गई? चले आगे फर्दर चलते हैं, बिकॉज लाइट चली गई, कोई बात नहीं मनीष। चले अब देखिए भी, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के। आप सभी ने जब टेस्ट दिया होगा, आप सभी ने एक चीज देखा होगा, क्वेश्चन आता है पेपर में, पी इज टॉलर देन क्यू, क्यू इज शॉर्टर देन आर, देखा है क्वेश्चन? वो वाले क्वेश्चन होते हैं फ्लोर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, ठीक है? तो वो भी इसी चैप्टर का ही पार्ट है, वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है भाई, डाइनिंग टेबल पे जब आप बैठे हो तो इधर मम्मा, इधर पापा, इधर कोई, ऐसे बैठते हैं ना, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आपको पर्सन ही अरेंज करने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना पड़ता है सर्कुलर अरेंजमेंट में भाई, देखो अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैठी हूं तो मेरा राइट हैंड कौन सा है? ये मेरा राइट है ना, और ये वाला मेरा है लेफ्ट हैंड, समझ आया? अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में जितने भी पर्सन बैठे हैं ना, वो सारे सेंटर फेस करेंगे, मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है ना बीच का, सेंटर की तरफ देखेंगे सारे के सारे, कोई भी बाहर नहीं देखेगा, सारे सेंटर देखेंगे। अब जो बंदा यहाँ बैठेगा, मीन्स वो कैसे बैठा हुआ है, ऐसे ही तो बैठा हुआ है, अंदर की तरफ फेस कर रहा है, आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी, ऐसे बैठा हुआ है ना, अब तो उसका राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला राइट हैंड हुआ उसका, और ये वाला उसका लेफ्ट हैंड हुआ। सेम ऐसे ही जब अगर पर्सन यहाँ बैठेगा, मीन्स वो किस साइड मुंह करके बैठा हुआ है, वो इस साइड फेस करके बैठा हुआ है, तो उसका राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये वाला हो जाएगा, समझ आया? समझ आया सभी को? चले
तो मतलब आपके प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपका राइट और लेफ्ट चेंज होता रहेगा, समझ आ गया? चले, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, फोर वाले सीख लो। पेपर में क्वेश्चन या तो फोर का आएगा, फोर पर्संस का, या सिक्स पर्संस का, या एट पर्संस का, ठीक है? तो आपको मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दूंगी कि आपको मुश्किल ना हो। फोर पर्संस ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। आपको ये पता लग गया कि एक सर्कुलर टेबल है और चार पर्संस बैठे हुए हैं, पता लग गया ये चीज। अब फोर पर्संस कौन से? ए बी सी डी फोर पर्संस हैं और एक सर्कल में बैठे। तो सबसे पहले एक सर्कल बना दो और ऐसे एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन बना दो। तो देखो ये चार पर्संस की जगह बन गई ना, 1 2 3 4, फोर पर्संस की जगह बन गई। आगे देखो, डी एंड ए सेट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब डी और ए जो हैं आपस में ऑपोजिट में बैठे, मींस आमने सामने बैठे। अब आपकी मर्जी है, डी को जहां मर्जी बिठाओ और उसके ऑपोजिट में ए को बिठा दो। जैसे यहाँ पे आपने, अगर आपने डी को बिठाया तो उसके ऑपोजिट ए को बिठा दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर डी को बिठाया हुआ है, ये यहाँ पे डी बैठा है तो उसके ऑपोजिट में बैठा है ए। समझ आ गया कि आपको ऑपोजिट में बिठाना है, डी को चाहे आप जहां मर्जी बिठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऑपोजिट में ए होना चाहिए। हाँ जी ऋषिकांत, अब इसी में भी डाउट है कि डी के ऑपोजिट ए क्यों बैठा? बोलो नो बोलो। मैम, इसमें डाउट नो मैम, इसमें डाउट नहीं मैम। ये कि फिर मैम अगर डी अपोजिट है तो उसकी मतलब उसके डायरेक्शन दूसरी जगह चेंज करनी क्यों? बच्चे एक बार बता, अगर ये बंदा यहाँ बैठा है, मीन्स वो ऐसे मुंह करके बैठा है, तो इसका राइट लेफ्ट ये वाले हैंड होंगे, और ए जो है उसका राइट लेफ्ट अलग होगा ना। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा राइट लेफ्ट भी तो चेंज हो जाता है। याद है हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस करते थे, अगर हम ईस्ट में होते थे तब हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कुछ और होता था, वेस्ट में हमारा कुछ और होता था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है? चले आगे देखो क्या लिखा है। बी सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा। भी ए कहाँ बैठा है? ऐसे मुंह करके बैठा है ना, ऐसे बैठा है। लेफ्ट हैंड कौन सा है उसका? ये वाला है ना, इमीडिएट लेफ्ट इधर होगा, इधर होगा ना लेफ्ट। तो जब लेफ्ट इधर होगा तो इमीडिएट लेफ्ट वाली पोजीशन कौन सी होगी? यही पोजीशन होगी ना इमीडिएट लेफ्ट की, समझ आया? तो यहाँ पे बैठा है बी। अब आपको पता लग गया कि ए मेरा यहाँ बैठा है, बी मेरा यहाँ बैठा है, डी मेरा यहाँ बैठा है, तो ऑब्वियस है ना, सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, तो वहां कौन बैठेगा? वहां बैठेगा सी। एम आई क्लियर? ओके, चले देखिए बच्चे। अब आपके पास जैसे ये क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सर्कुलर अरेंजमेंट बनानी है, साथ ही इसके साथ ये क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे इसके साथ 5 क्वेश्चंस आते हैं, 2 2 मार्क्स के ईच, और ये 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जिसकी ये अरेंजमेंट बन जाती है ना, वो तो ये ऑब्वियसली आंसर दे सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट कौन बैठा है? बताओ जल्दी चैट बॉक्स में, बी के ऑपोजिट कौन बैठा है, जल्दी बताओ। हाँ जी अंशिका, वेरी गुड। करण, जयदीप, वेरी गुड। निशांत, वेरी गुड। हाँ जी, बी के ऑपोजिट बैठा हुआ है सी। एम आई क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में? सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। बी पार्ट क्या है देखो इसका, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में कौन बैठा है? भाई ये रहा ए। अब सबसे पहले ए कैसे बैठा है, पोजीशन ले लो ए की, ए बैठा है यहाँ पर, तो राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला राइट हैंड होगा ना, तो सेकंड राइट में कौन होगा? दिस इज योर फर्स्ट राइट एंड दिस इज योर सेकंड राइट, तो ए के सेकंड राइट में है डी। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड जी। चले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इस क्वेश्चन में? चले, सो हेयर इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? भी डी कहाँ बैठा है? यहां पर बैठा है ना डी, तो डी कैसे फेस कर रहा है? इस साइड फेस कर रहा है, ऐसे करके देख रहा है, तो लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ? ये वाला लेफ्ट हैंड, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा हुआ? इमीडिएट लेफ्ट में हुआ सी। एम आई क्लियर? वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, सी सी सी, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सभी को समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चले आगे देखिए,
आगे क्या है क्वेश्चन में, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में कौन सा अल्फाबेट है, ए ए ए ए ए ए। चलिए वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। हां जी बी के इमीडिएट राइट में है ए। अच्छा अगर मैं आप क्वेश्चन पूछूं आपसे, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी फॉर बॉल, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जल्दी बताओ आंसर, देखते किसका सही आता है। ये रहा बी फॉर बॉल, मैंने क्या बोला इसके थर्ड राइट में कौन है, तो भाई इसका राइट हैंड कौन सा हुआ, ये वाला राइट हैंड हुआ ना, तो ये हुआ इसका फर्स्ट राइट, ये वाला हुआ इसका सेकंड राइट, और ये वाला हुआ इसका थर्ड राइट। तो जो थर्ड राइट में है वो है डी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।